अच्छा, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एमएस ऑफिस को जो है ना ओपन करना है। तो इससे पहले जी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्लोज़ करें जी, इसको डोंट से मैं कर देता हूँ, सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने विंडो बटन को दबाना है। अगर आपके पास एमएस ऑफिस है फिर भी आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो बटन होगा, उसको दबाएं या आप इस बटन को दबाएं और फिर आप सर्च के अंदर जी लिखें वर्ड WORD। अब जैसे WORD लिखेंगे तो वर्ड 2013 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन का मसला हो रहा है तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप जो है ना मुझे टेक्स्ट कर दें या फिर आप कमेंट कर दें, मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा आपकी जो एमएस ऑफिस है उसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा आपको ये दूसरे टेम्पलेट्स, दूसरी चीज़ें जो है ना देखने को मिलेंगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखें। मैं जैसे कर्सर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुझे शो हो रहा है, तो मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलूँगा, ठीक है। तो देखें इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैंने खोल दिया, आपने दूसरी चीज़ों को नहीं खोलना, सिर्फ इसी चीज़ को खोलना है। अभी देखें ये हमारा इंटरफेस है जो आपके सामने आ गया है। यहाँ पे देखें ये फाइल्स हैं हमारी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे मेन्यू है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो ये तकरीबन टोटल 8 हैं और इनको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं हम इनको, रिबन। ओके, ये चीज़ याद रख लेनी है आपने, क्या बोलते हैं हम इनको, रिबन बोलते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, फिर देखें जैसे ही मैं होम को दबा रहा हूँ, होम हमारा एक टैब है, एक मेन्यू है ये इस पूरे रिबन में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक ग्रुप है क्लिप बोर्ड का जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन है। फिर ऐसे ये फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। ऐसे ही ये पैराग्राफ का ग्रुप है, जहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन है। ऐसे ये स्टाइल का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। तो देखिए होम टैब के अंदर आ रहे हैं, फिर इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे वन क्लिपबोर्ड का, सेकंड फॉन्ट का, थर्ड पैराग्राफ का, फोर्थ स्टाइल का और फिफ्थ एडिटिंग का, यानी कि होम के अंदर 5 ग्रुप है। ऐसे इंसर्ट के अंदर पेज का, टेबल्स एंड सो ऑन, 5 6 7 इसमें होंगे। ऐसे ही डिज़ाइन के अंदर कुछ ग्रुप्स होंगे, पेज लेआउट के अंदर कुछ ग्रुप्स होंगे, ठीक है। इन ग्रुप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, लेकिन आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें आपने गौर करनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये बटन है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आपका ये जो रिबन है इसको आप हाइड कर सकते हैं। कैसे, आपने इसको दबाया, ऑटो हाइड रिबन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखें आपके रिबन रिबन्स जो है ना वो हाइड हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिबन्स, ठीक है, देखें आपके हाइड है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, देखें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा देखें इसको क्लिक करेंगे, अगर आप शो टैब्स कर रहे हैं तो सिर्फ आपके टैब शो होंगे ये ऊपर वाले, ठीक है। और अब आप सपोज करें इसको आपने सेलेक्ट किया, होम पे गए और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप दोबारा क्लिक करोगे तो वो दोबारा भाग जाएंगी चीज़ें आपकी जो ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस रिबन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखें दोबारा ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से आप एमएस वर्ड की हेल्प ले सकते हैं। हेल्प का मतलब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो आप नेट से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी आप यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ओके, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप आए जी यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम जो ऊपर आपको निशान दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्या, क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं वो आप चीज़ें यहाँ पे रख दें और आप उनको बार बार यूज़ करते जाएं। सपोज रेफरेंस के अंदर मैं ना यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिब्लोग्राफी, इसको मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड टू ग्रुप क्विक एक्सेस बार। तो जैसे ही मैं इसको क्विक एक्सेस बार के अंदर ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ गया। वैसे अगर मैंने इसको यूज़ करना होता, अगर मैं होम टैब के अंदर होता तो मुझे क्या करना पड़ता, रेफरेंस के अंदर जाना पड़ता, फिर बिब्लोग्राफी के अंदर जाना पड़ता। ऐसे क्या है,
अगर मैं होम टैब के अंदर भी हूँ तो डायरेक्ट मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, मेरी बिबलियोग्राफी का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो टिक हैं वो सारे के सारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप और न्यू को टिक करोगे तो देखें एक ऑप्शन आ गया, इससे आप न्यू फाइल खोल सकते हैं। यहाँ से फिर जो है ना, मैं क्या करता हूँ जी, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें ओपन का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैं इनको हाइड कर देता हूँ, यानी कि अनटिक कर देता हूँ, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ईमेल का ऑप्शन उठ गया। ओके, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्या? क्विक एक्सेस बार, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखें आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है क्विक एक्सेस बार। देखें डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये फाइल का बटन है। फाइल के बटन से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ आपको मैं चंद चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना वो आगे का काम है। यहाँ से आपकी फाइल की इन्फो है कि इसके अंदर कितने पेज हैं, टाइटल क्या है, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। उसके बाद अगर आप जो है ना न्यू फाइल, न्यू चीज़ खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपना न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ है वो खोल सकते हैं। ओपन करने का मकसद है कि कोई चीज़ पहले से सेव है, आप उस चीज़ को ओपन कर रहे हो। सेव का मतलब आप इस फाइल को सेव कर रहे हो कहीं पे भी जाके। सेव एज का मतलब आप इस फाइल को किसी और जगह पे सेव कर रहे हो, उसका नाम चेंज कर रहे हो, कुछ भी है तो आप सेव एज करोगे। तो हमारी फाइल सेव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्राउज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, कोई ओके। देखिए मैंने ब्राउज़ किया तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें खुल के आ गई हैं। पहले थोड़ा सा एरर आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ जी, इसको मैं पिक्चर्स के अंदर सेव कर देता हूँ। इसका नाम भी रिबन रखा हुआ है, तो आप जो भी अपनी तरफ से नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा तो देखें यहाँ पे जो ऊपर ऊपर देखें ये टाइटल होता है इसका, यहाँ पे रिबन आ गया है। इसका नाम क्या है? रिबन। और ये वाली आपकी फाइल जो है ना वो जाके पिक्चर्स के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, तो ये देखें ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसको बंद करने के बाद। ओके, उसके बाद जी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करते हैं ये चीज़ें बात की हैं, और कौन सा पेज, पेज की साइज़ क्या है, ये वो चीज़ें। आप शेयर, शेयर का मतलब आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ईमेल कर दें, किसी क्लाउड पे सेव कर दें, ब्लॉग पे पोस्ट कर दें, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। एक्सपोर्ट, आप इस फाइल को जो PDF या XPS फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं फाइल को, जैसे ये वाला ऑप्शन है वही ये वाला ऑप्शन है। अकाउंट, यहाँ पे आप अपना अकाउंट दे सकते हैं। अकाउंट देने का मकसद है कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं इसके अंदर वो काम आप अपना सेव कर सकते हैं, कहीं और जगह पे जाके आप जो है उस काम को एक्सेस कर सकते हो। फिर ऑप्शंस, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके जो डिस्प्ले के ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन, बहुत सारे सारे ऑप्शंस हैं, उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने का मकसद है यहाँ से आप कोई ऑप्शन जो है ना कट कर दो, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा आपके रिबन्स में। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो एडवांस के हैं, लेकिन आपने इन पे अभी काम नहीं करना, आपने सिर्फ चीज़ों को नोट करना है कि इन चीज़ों से हम क्या क्या काम जो है ना वो कर सकते हैं। ओके, ये इंट्रो था जिसके अंदर मैंने आपको पूरे की पूरी चीज़ें बताई इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।